संघ प्रमुख मोहन भागवत 11 नवंबर को वाराणसी आए थे और 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जो कोईराजपुर में जो निर्माणाधीन स्कूल है संत अतुलानंद, वहां पर उनका एक शिविर लगा था, जहां पर कल शाम 6 बजे तक उन्होंने संबोधन करने के बाद रात में वो यहां से रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर संघ प्रमुख के रुकने की व्यवस्था की गई थी, यहीं पर संघ प्रमुख रुके थे। हम आपको और भी ले चलते हैं अंदर, अभी भी लोग मौजूद हैं, हालांकि अधिकांश लोग यहां से जा चुके हैं संघ प्रमुख के जाने के बाद, लेकिन अभी भी उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने इन अपने 6 दिनों के शिविर में चीज़ें बताई हैं, वो निश्चित तौर पर लोग अभी भी याद रखे हुए हैं और सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ संघ के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सर क्या रहा 6 दिन तक संघ प्रमुख जी थे, किस तरह की बातें हुई सामने, किस तरह की बातें उन्होंने आप लोगों को बताई? हम लोगों को यही बताते हैं कि समाज में लोगों को जात पात खत्म करने के लिए उनके घर जाना, उनसे मिलना, उनसे सुख दुख बांटना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ सोना, उनको अपने आतिथ्य सत्कार के रूप में बुलाना, और हम कैसे उनसे जुड़े, हर समाज के वर्ग को बांट के वो जोड़ रहे हैं, जैसे गौ सेवा के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन वाले कुटुंब के विचारों को लेके पहुंच रहे हैं, सामाजिक समरसता वाले सामाजिक विचारों को लेके। अगर 6 दिन की बात करें उनकी, तो कुछ 5 मुख्य बातें सामने आई निकल कर जो उन्होंने इस शिविर में बताई हों? 5ों यही मुख्य बातें हैं कि हमें भारत माता की जय करना है, इसके लिए समस्त देशवासियों को एकत्रित करना होगा और तभी फिर भारत माता की जय होगी। जब तक हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो भारत माता की जय नहीं होगी। उन्होंने जात पात पे कभी नहीं, उन्होंने कहा हमारे साथ हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब लोग जुड़े हैं, हमारे सारे संगठन एक साथ हों, भारत की जय हो, न कि किसी जात और धर्म। चूंकि संघ प्रमुख जी इस समय राम मंदिर को लेकर काफ़ी हो रहे हैं, पिछले दिनों अपने भाषण में भी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, तो क्या राम मंदिर को लेकर भी कोई चर्चा रही यहाँ पर? यहाँ राम मंदिर की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, राम मंदिर की कोई चर्चा नहीं हुई। प्रचारक वर्ग सामने आ रही थी बात कि राम मंदिर को 25 तारीख को आंदोलन है, उसके लिए एकजुट होना हिंदुओं को जरूरी है, मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि यहाँ कोई आने नहीं पाता है, तो लोग जो सोचते हैं कि इसी उद्देश्य से बैठकें हो रही है या राजनीतिक उद्देश्य, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था उनका। फिलहाल यहाँ पर जो अभी संघ के लोग हैं उनका कहना है कि संघ प्रमुख की तरफ से जो गौ सेवा और समाज में समरसता एकजुटता बढ़ाने की बात की गई है और राम मंदिर को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आपको हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये राम जन्मभूमि को लेकर जो किताब है वो इसी संघ शिविर में मौजूद थी और अभी हमको भी मिली है, तो निश्चित तौर पर राम जन्मभूमि को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई या नहीं हुई ये तो संघ के लोग बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो शिविर में सारी चर्चाएँ हुई हैं उनमें राम जन्मभूमि का मुद्दा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। गोपाल मिश्र, PTV वाराणसी।